मैं अपनी तरफ से होटल वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, साथ में धुलेंडी की शुभकामनाएं देता सभी हूँ। को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। सभी गांव वासियों को, देशवासियों को और मेरे प्रदेश वासियों को, मैं सीताराम सरपंच बंचारी, सभी भाइयों को होली धुलेंडी और मेरे गांव का जो प्रसिद्ध मेला है फूल डोर का, उन सब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आप वो होडल उपमंडल अधिकारी नागरिक हैं और यहाँ ब्रिज का एरिया लगता है और ब्रिज में होली का बहुत ही महत्व माना जाता है और बहुत सी होलियाँ खेली जाएंगी, तो होली के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी तरफ से होटल वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, साथ में धुलेंडी की शुभकामनाएं देता हूँ। जो एक भाईचारे का प्रतीक है, ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है और सभी लोग एक शांति से और बगैर कोई ऐसे नेचुरल कलर से अपनी होली सेलिब्रेट करें और आतिशबाजी से बचें। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की रंगों का प्रयोग ना करें जिससे हमारी सेहत पे सर, नुकसान जैसा कि हो। होली पे देखा जाता है उपद्रवी जो होते हैं, शराब वराब पी के उपद्रव करते हैं, देखिए उनके लिए वो आप हम डायरेक्शन कर देंगे, मैं चाहता हूँ, अपील भी करता हूँ, हमारा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने नहीं जाएगी। हुड़दंगबाजियों के खिलाफ जो है सख्त एक्शन होगा, वो सद्भावना नहीं तो बिगाड़ सर कुछ सकते। पुलिस वाले भी इसके लिए होली के लिए लगाए गए क्या? हाँ बिल्कुल, लगाए जाते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती है। और जो ज़्यादा कई जगह मेले की संभावना होती है, जैसे पंचारी में, सोंद में मेले लगते हैं, वहाँ स्पेशल ड्यूटियाँ भी लगती हैं। सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं और सभी से अपील करता हूं कि अपने होली को, त्यौहार को अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ शांति प्रिय मनाएं। किसी प्रकार का कोई हुड़दंगाबाजी ना करें, किसी दूसरे के साथ कोई शरारत ना करें, और अगर कोई शरारती व्यक्ति या शरारती बच्चा किसी प्रकार का कोई हुड़दंगा करेगा या किसी को तंग करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इसी बात को कहते हुए सभी से अपील करता हूँ कि होली को, त्यौहार को शांति प्रिय और खुशी के साथ मनाएं। सभी गांव वासियों को, देशवासियों को और मेरे प्रदेश वासियों को, मैं सीताराम सरपंच बंचारी, सभी भाइयों को होली धुलेंडी और मेरे गांव का जो प्रसिद्ध मेला है फूल डोर का, उन सब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि मेरे गांव बंचारी में जो फूल डोर का मेला लगाया जा रहा है उसमें सभी को आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेले को देखने के लिए आएं। और अपने गांव वासियों से भी एक अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अब की बार मेले को भव्य बनाएं और रंगों का, अच्छे जो नेचुरल रंग हैं उनका प्रयोग करें, गंदा रंग ना लगाएं किसी को, और बड़ी शांतिपूर्वक से अपने मेले को मनाएं। और इसी के साथ साथ में देखो, जो नशा है उसे हम दो दिन बाद भी कर सकते हैं, मेले में नशे का प्रयोग ना करें, मेले को शांतिपूर्वक से मनाएं। और मेले का रंगों का मतलब है कि आप एक दूसरे में जिस तरह से रंग मिल जाते हैं हमारे, उस तरह से हमारा आपस का प्रेम भाईचारा इकट्ठा ना अपना इकट्ठा करना है, सभी भाइयों को इकट्ठा होकर के होली का त्यौहार मनाना है। नमस्कार।